रामपुर पंचायत समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव समिति हॉल रामपुर में मतदान से हुए। 18 सदस्य पंचायत समिति में अध्यक्ष कांग्रेस समर्थित और उपाध्यक्ष भाजपा समर्थित बने। मतदान में 18 में से 10 वोट कांग्रेस समर्थित अविनाश कायस्थ को मिले, जबकि भाजपा समर्थित के देशदीप गौतम को 8 मिले। इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए भाजपा समर्थित रूपेश्वर को 9 और कांग्रेस समर्थित को 8 वोट पड़े। चुनाव के बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नव निर्वाचित पंचायत समिति अध्यक्ष अविनाश ने बताया कि दूर दराज गांव के लोगों की समस्याएं हल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी और शिक्षा स्वास्थ्य जवाबदेही रहेगी। सर, मुझे 10 वोट मिले हैं 18 में से, और आगे के लिए सर काम करेंगे। ब्लॉक लेवल पर जो भी स्कीमें आएगी वो आगे टाउन लेवल पे लेके आएंगे, सबको साथ लेके विकास करेंगे। निर्वाचित उपाध्यक्ष रूपेश्वर ने बताया कि रामपुर खंड में समान विकास हो प्रयास रहेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य और सड़कों का निर्माण हो इस काम पर फोकस करेंगे। जो मुख्य यहाँ पे इश्यूज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है, और हमारा इसी सिस्टम पे हम जो है पहले हम काम फोकस करेंगे एजुकेशन पे और सड़कों पर। किस चीज को देंगे? एजुकेशन और सड़कों पर हमारी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी, स्वास्थ्य पर भी रहेगी। जैसे एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि रामपुर ब्लॉक समिति के चुनाव मतदान प्रक्रिया अपनाकर शांतिपूर्ण संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को 18 में से 10 मत पड़े हैं और उपाध्यक्ष को 9 मत पड़े हैं। रामपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु हमने कार्रवाई अमल में लाई है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री आशीष कायत वार्ड नंबर 3 शादार से निर्वाचित हुए हैं, और उपाध्यक्ष के लिए श्री रूपेश्वर ज्यूरी वार्ड से निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए सभी उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में हमने सारी कार्रवाई अमल में लाई है, सभी को हमने पर्याप्त समय दिया है। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया भी अमल में लाई है और सभी की उपस्थिति में काउंटिंग भी हुई है, और उसके बाद सभी ने अपनी सेटिस्फेक्शन भी जाहिर की है। जैसा आपको विदित है कि उपाध्यक्ष पद के लिए 18 वोट में से जो रूपेश्वर है उनको 9 वोट पड़े हैं, और जो सेकंड कैंडिडेट थी हेमलता उनको 8 वोट पड़े हैं और 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। इसी तरह अध्यक्ष पद के लिए 18 में से जो चुने गए आशीष कायत उनको 10 वोट पड़े हैं, और जो दूसरे कैंडिडेट थे देशदीप गौतम उनको 8 वोट पड़े हैं।